दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल करने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि VI कंपनी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों VI कंपनी तरफ से फिर से दो नया प्लान को जो लॉन्च कर दिया गया, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप वोडाफोन आइडिया का ग्राहक है, आप वोडाफोन सिम के अंदर कोई भी रिचार्ज कराना चाहते हैं अभी, तो आज का इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जैसे ही रिलायंस जियो अपने IOC चार्ज को विथड्रॉ कर लिया है, तब से हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर जो है रिलायंस जियो के साथ कंपेयर करने के लिए अपना प्लान जो है प्राइस है उसको कम कर दिया, या फिर उस प्लान के अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट जो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका पहले वीडियो में मैं आप लोगों को BSNL, एयरटेल ये दो कंपनी के बारे में बताया था, जहाँ पर आपको सिंपली रिलायंस जियो के साथ कंपेरिजन करने के लिए अपने प्लान को जो कम कर लिया और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट जो प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन दोस्तों आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वोडाफोन आइडिया के बारे में बताऊंगा, जहां पर आपको वोडाफोन आइडिया दो नया प्लान का लॉन्च कर दिया है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट जो मिल रहा है सेम प्राइस के अंदर। दोस्तों सबसे पहले जो प्राइस आया वोडाफोन के अंदर वो है 249 रुपीज़ का। ये प्लान के अंदर आपको पहले जो है 1.5 GB करके आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन अगर अभी ए प्लान का भी आप रिचार्ज करा दें तो आपको इस प्लान के अंदर अभी डेली का 3 GB करके आपको डेटा जो आपको मिलेगा। जी दोस्तों आपको ये अभी डेली का 3 GB करके डेटा मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप जो है ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क पर। जी दोस्तों आपको जो इस प्लान के अंदर ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग करने का जो बेनिफिट है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। आप जो है किसी भी नेटवर्क पर ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप जो है इस प्लान के अंदर दिन का 100 SMS भी सेंड कर सकते हैं। और इस प्लान के साथ अगर मैं अदर OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन में बात करूँ, दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको जो वोडाफोन आइडिया का जो मूवी एंड टीवी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ इस प्लान का जो वैलिडिटी है वो आपको 28 डे तक मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपको वोडाफोन के अंदर इस प्लान के अंदर आपको एक्स्ट्रा 5 GB आपको डेटा भी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है 5 GB का फ्री डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ इस प्लान के अंदर जो वोडाफोन आइडिया का जो वीकेंड डेटा रोल ओवर जो सर्विस है जो तो आपको इस प्लान के अंदर भी मिलने वाला है। इसका मतलब आपका जितने भी सारे डेटा बच जाएगा वो सारे डेटा आपका हफ्ते का एंड में आपको जो है एक साथ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वोडाफोन की तरफ। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड प्लान का, जो कि 399 रुपीज़ वाले प्लान है। दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको पहले जो है 1.5 GB करके डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था, अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड किया जा रहा था, और इसके साथ आप दिन का 100 SMS भी सेंड कर सकते थे। और इस प्लान के अंदर जो वोडाफोन आइडिया का मूवी एंड टीवी का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा था 56 डे के लिए। लेकिन दोस्तों अभी जो वोडाफोन के अंदर डबल डेटा ऑफर चालू है, तो इसलिए जो इस प्लान के अंदर आपको अभी जो है 3 GB डेटा मिलने वाला है। जी दोस्तों आपको जो इस प्लान के अंदर अभी 3 GB करके डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वोडाफोन के अंदर, और इसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा और दिन का 100 SMS भी आप सेंड कर सकते हैं। और इस प्लान के साथ आपको जो वोडाफोन आइडिया का मूवी एंड टीवी का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इस प्लान का जो वैलिडिटी आपको 56 डे तक मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इस प्लान के अंदर अभी आपको जो 5 GB का फ्री डेटा ऑफर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जी दोस्तों आपको जो 3 GB का जो डेटा है वो तो मिलेगा ही, और इसके साथ साथ आपका जो 5 GB जो डेटा है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब आप अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप ये 5 GB डेटा को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपका किस दिन जो है ये 3 GB जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो ख़त्म हो गया, तो आपके पास जो 5 GB डेटा एक्स्ट्रा आपको वोडाफोन आइडिया प्रोवाइड किया है, तो तब वो 5 GB डेटा को आप जो यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको इस प्लान के अंदर भी वोडाफोन आइडिया का जो वीकली डेटा रोल ओवर का जो बेनिफिट है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब आपका जितने भी सारे डेटा बचेगा 3 GB में से जो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो सारे डेटा आपको हफ्ते के एंड में इस प्लान के अंदर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ न्यूज़ जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आया था, जो मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वीडियो पसंद आया कुछ ना देखने अगर आपको मिला, तो आज के इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए नोटिफिकेशन को ऑल वे क्लिक करके जरूर रखिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते कभी दूसरे वीडियो के साथ दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।